भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज 58 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। उस सूची में लाडनू, डीडवाना, डेगाना और खींवसर चार सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं। रेवत राम डांगा खींवसर से उम्मीदवार होंगे। हनुमान बेनीवाल के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार आना अभी बाकी है। इसके अलावा डेगाना से एक बार फिर अजय सिंह किल्लक पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है और अजय सिंह किल्लक निश्चित तौर पर विजयपाल मिर्दा को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। और लाडनू से एक बार फिर स्वर्गीय ठाकुर मनोज सिंह के पुत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा करके उन्हें टिकट दिया है और करणी सिंह को वहाँ से मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था और सर्वे के आधार पर उनकी टिकट मिली है। निश्चित तौर पर मुकेश बाकर को वहाँ पर कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन डीडवाना का समीकरण एक बार फिर उलझ गया है। यहाँ पर यूनुस खान की टिकट की लोग आस लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने जितेंद्र सिंह जोधा पर लगातार दूसरी बार भरोसा करके टिकट दे दी है। और जितेंद्र सिंह जोधा पिछले चुनाव में 42,000 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से टिकट दी है। पार्टी ने क्या सोचकर टिकट दिया है? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, इनसे जानेंगे कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है तो किस आधार पर किया है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से मैं मेरी ओर से शुभकामना देना चाहूँगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र सिंह जोधा को प्रत्याशी बनाया है, निश्चित ही क्योंकि हमारे यूनुस खान जी भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ के टिरोना के उन्होंने बहुत अच्छा विकास कराया। आज उसी की परिणति है कि आज जितेंद्र सिंह जी भी आज उन्हीं के नेतृत्व के अंदर काम करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है वो निश्चित ही टिरोना के लिए एक विजय प्राप्त करेगी। पिछले वर्ष मैं आपको बता दूँ, कुछ कारणवश यहाँ से यूनुस खान जी को समय से पहले उनको यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन जब ये टीम यूनुस खान जी के द्वारा ही इनको जितेंद्र सिंह जी को टिकट दिलाई गई थी। यूनुस खान जी ने टिरोना के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं स्पोर्ट्समैन होने की भी बताता हूँ, यहाँ जितने स्टेडियम वगैरह बनाए हैं वो निश्चित ही एक आला दर्जे के हैं। और आज यूनुस खान जी के बलोदृति बास्केट ये जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है उसी की टीम का आज ये जितेंद्र सिंह जी यहाँ परचम लड़ाएंगे, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। देखिए, यूनुस खान ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल डीडवाना में खिलाया था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीती थी। और यूनुस खान के से ऐसी कौन सी गलती होगी कि पिछली बार उन्हें टोंक भेज दिया गया और इस बार एक बार फिर उनकी टिकट काटकर जितेंद्र सिंह जोधा को मैदान में उतारा है। अब यूनुस खान की यहाँ पर क्या भूमिका रहेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण होगी, लेकिन आप क्या कहेंगे कि यूनुस खान से ऐसी कौन सी खता हुई कि उन्हें एक बार फिर उनकी टिकट कटी है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि पार्टी जिसको जहाँ यूज करती है, आज यूनुस खान जी का कैडर एक कोई डिडोना क्षेत्र नहीं है, उनका राजस्थान क्षेत्र है, उनका पूरा भारत के अंदर उनका वर्चस्व है। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, तो निश्चित ही पार्टी ने कुछ अलग सोच के उनको कहीं रखा होगा। कोई किसी को मैं समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरे सुरेश है ये बता सकते हैं, मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ यूनुस खान जी का कैडर बहुत अच्छा है, तो इसलिए उनको पार्टी कहीं और यूज करेगी। और यहाँ जिनको ये टिकट दिया है, ये पिछली बार भी जितेंद्र सिंह जी को दिया वो यूनुस खान जी के। ये देखिए, वकील साहब का डिप्लोमेटिक जवाब है, क्योंकि ये खुलकर बोलना नहीं चाहते। यूनुस खान का ये कद बता रहे हैं, पार्टी उन्हें हर कार्यक्रम में दरकिनार करती, ये भी यहाँ की जनता ने आंखों से देखा है। यूनुस खान को कभी भी 5 साल में किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, चाहे बड़ा कार्यक्रम हो चाहे छोटा हो। सुरेश जी, आप बताइए, आप चेयरमैन रहे हुए हैं, आज की टिकट को लेकर आप क्या कहेंगे? दिल्ली के जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने सारी सर्वे रिपोर्टें ली है, राजस्थान से सर्वे रिपोर्ट गई है, डीडवाना से सर्वे रिपोर्ट गई है, और वे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने बहुत सोच विचार कर निर्णय किया है और इस निर्णय से हम सहमत हैं। देखिए, सर्वे की जहाँ तक बात की जाए तो सभी को पता है, आपको पता है, मुझे पता, आम लोगों को पता है कि यूनुस खान का सर्वे में 1 नंबर पर नाम था, फिर भी उनकी टिकट काट ली गई है। और दिल्ली में बैठे जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसका हमें और आपको पता नहीं है, लेकिन यूनुस खान की कहीं ना कहीं टिकट काटना डीडवाना की जनता के लिए एक निराशाजनक कदम होगा। और जितेंद्र सिंह जोधा को हालांकि हम शुभकामनाएं देते हैं, वो यहाँ से उम्मीदवार मजबूत बनकर उभरे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा कि यूनुस खान की टिकट यहाँ से कटी है। और यूनुस खान को अगला कदम क्या रहेगा, इस पर सारा समीकरण तय करेगा डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार यहाँ से डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी लंके की चोट जीतेगी, उसकी जीत में कहीं किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि यूनुस खान की सारी यूनुस खान की टीम थी, जितेंद्र सिंह जोधा को भी यूनुस खान ही लेकर आए थे पिछले चुनाव में, जब टोंक चले गए तो यूनुस खान ने अपने विश्वस्त आदमी को टिकट दिलाकर यहाँ पर मैदान में उतारा था, आप क्या कहेंगे? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के एक सच्चे सिपाही के ऊपर अपना दाव खेला है। मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो सतत पिछले 5 साल में सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर
हर समस्या में पब्लिक के साथ में रहे वो, इसलिए उनको इसका इनाम मिला है। देखिए जितेंद्र सिंह जोजा सच्चे अच्छे और सज्जन आदमी है, नो डाउट उन व्यक्तित्व के, अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। कभी भी उनको कहीं भी आप तेज़ आवाज़ में बोलते हुए नहीं सुन सकते। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो जितेंद्र सिंह जोजा बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन पार्टीबाजी की जहाँ तक बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी में यूनुस खान से मजबूत दावेदार यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन पार्टी ने किस आधार पर भरोसा किया है और भी कई कार्यकर्ता। आप क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र सिंह जोजा की उम्मीदवारी को? जितेंद्र सिंह जोजा कम से कम 20,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे यहाँ से, और यूनुस खान जी को भी बैरू सिंह जी लेके आए थे तो यूनुस खान जी ने अपना वो कर्ज उतारा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हम सब एक हैं जीतू बना के लिए, सब समर्थन कर रहे हैं, 36 को हम समर्थन कर रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे। देखिए हमारे साथ और भी कई कार्यकर्ता, आप आगे आइए जी। हम उनके साथ हो जाते हैं, हमारी कोई मतभेद नहीं है। आप पार्टी के साथ हैं? बिल्कुल पार्टी के साथ। आप बताओ आगे आओ थोड़ा सा, आज जिस तरह से टिकट मिली है यूनुस खान की कटी है, आप क्या कहेंगे? भाई यूनुस खान जी ने डीरुना के लिए बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन ये पार्टी का शीर्ष नेता तो निर्भर करता है वो किसी को टिकट देते हैं, और जितेंद्र सिंह जी को टिकट दिए वो तन मन धन से उनके साथ में रहेंगे। आप बताइए आप क्या कहेंगे? ये पार्टी का निर्णय एकदम रोंग है, बहुत रोंग। मतलब ये पहले भी जीतू जन्मन्ना जीत हारे थे वोटों से, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन यूनुस खान के बराबर अभी नेता नहीं है और नहीं होगा। डीडवाने के लिए जितना काम कराया है, हर व्यापारी वर्ग हर आदमी उनके लिए तैयार है, अभी भी आज भी तैयार है। यूनुस खान के लिए अब क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा यूनुस खान निर्दलीय आया, उनको जिता के 50,000 वोटों से ले जाते हैं। चलो और आप बताओ, देखिए आज की जो टिकट की घोषणा है उसको लेकर आप क्या मानते हैं, क्या सोचना आप? डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जितेंद्र सिंह जोधा आए हैं, तो ये मतलब ये हम सब के लिए खुशी का विषय है। और वैसे यूनुस खान जी भी डीडवाना से बढ़िया दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया है हम उसके साथ हैं, और अगर यूनुस खान जी इसमें आते तो हम उनको भी वोट देते। हम पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने वाले लोग हैं, कोर वोटर हैं, तो हम सब के लिए खुशी का विषय है। इसमें कौन सी वो जो आपकी, देखिए यहाँ पर जो टिकट मिली है जितेंद्र सिंह जोधा को, उसमें लोग ये मान रहे हैं कि जितेंद्र सिंह जोधा को पार्टी ने टिकट दे दिया, पार्टी का निर्णय है। हम पार्टी के निर्णय का स्वागत करेंगे, और आने वाले दिनों में एक या दो दिन में जो समीकरण यहाँ के तय होंगे वो बताएगा कि डीडवाना का घमासान कैसा होगा। बने रहिए लगातार आप हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान अब तक। हम आपको हर छोटी बड़ी घटना से अपडेट कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।